आज लोग धर्म के नाम पर नौ नौ हाथ उछलते, कहते हम नहीं, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग हैं तो आकाश से टपके थे, या पढ़े लिखे लोग हो तो सीधे पाताल चले जाओगे। आने का स्टाइल धर्मात्मा और विधर्मी दोनों का एक ही है, तो जाना भी वही है। तो ये संकल्प करना कि हम पढ़े लिखे हैं और हम ये नहीं मानते, पाप अधिक होने से पुण्य कम होने से भगवान के भजन से मन हट जाता है। जिनके पाप अधिक हो पुण्य कम हो, उन्हें न तो धर्म में प्रीति होती है और ना ही उन्हें भगवान में प्रीति होती है। हमें ईश्वर मिलेगा, हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, हमें भगवत प्राप्ति होगी। इसका जीता जागता एक उदाहरण है, जब आपका मन भगवान के भजन में अधिक लगे और आपका मन भगवान की कथाओं में लगा ही रहे। जैसे लोभी पैसे के लिए आधी रात को चल पड़ता है, वैसे ही सच्चा श्रोता जो धर्मात्मा होगा, जिसके ऊपर भगवत कृपा होगी, जिसके पुण्य अधिक शेष होंगे, ध्यान से सुनना, जो इसी जन्म में अपने आखिरी जन्म वो जी रहा होगा और अगली बार उसे गोविंद के धाम में जगह मिलेगी, तो जैसे एक लोभी पैसे के लिए रात दिन मेहनत करता है, वैसे ही सच्चा भक्त भजन और कथा के लिए रात दिन प्रयास करता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या कहते हैं, एक एक सेकंड कीमती है, हमें एक भी सेकंड गंवाना नहीं है, क्योंकि एक सेकंड हम गंवाएंगे तो हमारे पीछे जो लोग खड़े वो हमसे आगे निकल जाएंगे। वैसे ही भगवत भक्तों को भी यही बात सोचनी चाहिए कि एक एक सेकंड कीमती है हमारे लिए, कल कर लेंगे वो स्थिति नहीं है, हमें आज ही करना है भगवत भजन, हमें आज ही सुननी है भगवान की कथा खूब मन लगा के, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। जिस देश की पशु भी इतने धर्मपरायण हो कि अपने पति के लिए वो महसी सती हो रही और चिता में जाके बैठ गए, हम चिता की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो नहीं करते आजकल, वो जायज भी नहीं और हम किसी को कहेंगे भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए कि चलो अग्नि में चले जाओ, नहीं, आपका जीवन है। लेकिन शेष जीवन में क्या हम अपने कल्याण का भी मार्ग सुनिश्चित कर पाते हैं कि चलो इस जीवन में तो पत्नी अथवा पति नहीं रहा हमारे साथ, तो क्यों ना अब शेष जीवन को भगवान के समर्पित कर दिया जाए।